नहीं खुल रहा है नहीं तो कैसे हो तो तुम कोई भी जैसे आप नहीं खुलेगा आप अपना मेल ही ये नहीं करो रजिस्टर नहीं करो बात नहीं कीजिए। इसका क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे ठीक है फेसबुक ओपन ना हो व्हाट्सएप ओपन ना हो तो हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे ही नहीं। आपका व्हाट्सएप तभी कोई ओपन कर सकता है जब तो देखना पड़ेगा ये तो ऐसा तो हम लोग अभी देखे नहीं है लेकिन अगर ऐसा ऐसा नहीं होगा ऐसा हम लोग देखो ध्यान दो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो आपके साइट पे तो वो कैसे वो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो कि वो तो अब देखो पर देखना होगा अगर उसका साथ ऐसा परमिशन होगा तब ब्राउजर में ना ब्राउजर में कहीं सेटिंग में ऐसा कुछ होगा ठीक है तो आप सेटिंग में जाकर देख सकते हैं चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने किया नहीं है चलिए बताइए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे। प्रीवियस क्लास में प्रोसेस स्टेट कंप्लीट हो चुका है राइट ठीक है अब हम लोग प्रोसेस स्टेट के बाद फिर आगे देखते हैं ठीक है। मुझे पढ़ाना था मे बी पीसीबी ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है वो चीज हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। देखिए मैंने बताया था प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक टेबल में मेंटेन किया जाता है। प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोसेस उसको हम लोग एक टेबल में एक स्पेशल टेबल में मेंटेन करते हैं ठीक है। उस टेबल का ही नाम क्या है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम लोग टीसीबी के भी नाम से जानते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक या इसको प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं क्योंकि पूरा प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन आपका उस टेबल के अंदर मेंटेन किया जाता है ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग बोलेंगे ये है आपका पीसीबी ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी एक ऐसा स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को रखता है। अब आपके प्रश्न में आपका दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रोसेस रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है ठीक है। हर जैसे आपका भी रिकॉर्ड होगा जैसे आपका रिकॉर्ड है ठीक है आपका रोल नंबर है आईडी है नेम है ठीक है कोर्स है यूनिवर्सिटी है आधार नंबर है पैन नंबर है ठीक है ये सब रिकॉर्ड से उसी तरह से प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा जो पीसीबी के अंदर मेंटेन किया जाता है पीसीबी के अंदर स्टोर होता है। तो हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है जिस आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको कॉलेज नाम के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करती है आईडी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर रही है कॉलेज ठीक है। रोल नंबर तो सेम भी हो सकता है ना आपके दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है दूसरे बैच ये तो आपके बैच में ना केवल रोल नंबर यूनिक है लेकिन पूरे
आप इस सीमेज कॉलेज में आपका एक ही यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है? आईडी है। अब आपके आईडी, अब जो आपका जो आईडी है ठीक है, उस आईडी से कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है इस कॉलेज में, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या होगा? प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस का तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है ना, प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में है कि प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में है कि प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट में है, तो प्रोसेस स्टेट हो गया। दूसरा चीज, वहां पे हर प्रोसेस का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है, ठीक है। आप पहले मैंने एक चीज बताया था कि हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पहले एग्जीक्यूट करेगा ना। तो हर प्रोसेस का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है, जो इसका रेंज है कि किसी भी प्रोसेस का प्रायोरिटी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है। फिर आपका यहां पे नेक्स्ट क्या है कि प्रोसेस वहां पर फिर यूज होता है आपका प्रोसेस काउंटर होता है। प्रोसेस काउंटर कहने का मतलब क्या होता है, आप जब क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या अभी लूपिंग स्टेटमेंट, क्या इटरेटिव स्टेटमेंट सर बता चुके हैं, ठीक है। आप जानते हो कि इटरेटिव स्टेटमेंट का काम क्या है? इटरेटिव स्टेटमेंट का काम होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना। लूपिंग स्टेटमेंट इज मेनली यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा कंडीशन होगा उसके अनुसार आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, रिपीट करेगा। अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, राइट, तो एक स्टार्टिंग एक काउंटर वेरिएबल आपको लेना होगा। मान लो कि स्टार्टिंग वैल्यू मैंने आई में क्या रख दिया, 1, आई में क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का नेक्स्ट वैल्यू तो इंक्रीज करना होगा ना, अब आई के वैल्यू को 1 से बढ़ाना होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यानी आई का वैल्यू हर बार इंक्रीज करते रहेगा, कितने टाइम, 100 टाइम। उसी तरह से यहाँ पे प्रोसेस काउंटर होता है। अब हमारे रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में तो बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस है ना, रेडी स्टेट में हमारे पास ठीक है बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन कोई एक ही प्रोसेस ना रेडी स्टेट से कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। कोई एक ही प्रोसेस रेडी स्टेट से कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। मान लो कि 5 प्रोसेस है, पहले P1 गया, पहले कौन गया, P1, तो फिर P2, फिर P2 का जो इंस्ट्रक्शन है उसको तो रीड करना पड़ेगा ना, इंक्रीज करना पड़ेगा ना, फिर P2 जाएगा, फिर कौन सा प्रोसेस जाएगा, P3 जाएगा, फिर कौन जाएगा, P4 जाएगा। ये जो प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, इसका डिसीजन हम लोग लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, कब नहीं करेगा। बहुत सारा आप यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ोगे, जैसे FCFS पढ़ेंगे, SJF पढ़ेंगे, SRTF पढ़ेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड पढ़ेंगे, राउंड रॉबिन पढ़ेंगे। बहुत सारा 5-6 प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसके द्वारा हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस को इंक्रीमेंट करने का काम कौन करेगा, प्रोग्राम काउंटर, या इसको प्रोसेस काउंटर भी बोलते हैं या प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए वहां कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया गया है, FCFS अप्लाई किया गया, कि SJF अप्लाई किया गया, कि SRTF अप्लाई किया गया, कि राउंड रॉबिन अप्लाई किया गया किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। दीज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस का नीड होगा ना, मुझे मेन मेमोरी भी चाहिए, मुझे सेकेंडरी मेमोरी भी चाहिए, हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर आपका फाइल मैनेजमेंट, फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप पहले भी मैंने सर्विसेज में फंक्शन में बताया था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल एक प्रकार का स्टोरेज है जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक रजिस्टर होता है। आप कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़े होंगे, जरा रजिस्टर के बारे में कोई भी बताइए, व्हाट इज रजिस्टर, बोलिए। रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट दैट मींस वी कैन स्टोर द
वेरी गुड, यानी अब यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे, बिल्कुल सही बताया कि रजिस्टर एक प्रकार का स्टोरेज होता है और ये टेम्प्रोरी वे में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसके डिफिनीशन से ये क्लियर है कि रजिस्टर इज ए स्टोरेज, और वो भी रजिस्टर किस तरह का स्टोरेज है, टेम्प्रोरी स्टोरेज है, राइट। इसके अलावा कुछ अगर पॉइंट आप लोग को अगर मालूम है रजिस्टर का तो वो मुझे बताएं। खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो। हाँ, क्या क्या होता है वो? अगर इस तरह का कोई मतलब लॉग नहीं हो, ट्रिगो अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या रजिस्टर यूज नहीं होगा? और कोई बताएं, बैठ जाइए। सेम, अगर मैं आपसे कहूं ठीक है कि रजिस्टर फास्ट मेमोरी है कि आपका रैम फास्ट है, तो रजिस्टर को आपको क्या बताना होगा, फास्ट बताना होगा। तो रजिस्टर वहां पे डेटा स्टोर करता है, जो डेटा प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस करते समय जो डेटा स्टोर होता है वहां पे रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। जब प्रोसेस का स्विचिंग होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जब प्रोसेस का स्विचिंग होता है, मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वहां पे जो डेटा जो सेव होता है ठीक है, वो कहां सेव होता है, रजिस्टर में। कहां सेव होता है, रजिस्टर में होता है। तो रजिस्टर टेम्प्रोरी वे में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। आउटकम को, रिजल्ट को टेम्प्रोरी वे में क्या करता है, स्टोर करके रखता है ठीक है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लियर हो कॉन्सेप्ट ठीक है, आप इसका पोजिशनिंग बोलो तो, रजिस्टर का पोजिशनिंग बोलो, रैम का पोजिशनिंग बोलो, कैसे हार्ड डिस्क का पोजिशनिंग बोलो, यानी प्रोसेसर के नजदीक कौन है सबसे? वेरी गुड, रजिस्टर है। वैसे नहीं, जिससे पूछेंगे वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, जिसको मैं रख रहा हूँ। हाँ सही है ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चंस केवल डिफिनीशन से मतलब नहीं रखता है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप, मैं एक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ठीक है, वो में भी आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़ रहे हो क्यू बेसिक में PLDT पढ़ रहे हो ठीक है। अब उसमें देखो क्या क्या होता है, एल्गोरिथम भी होता है, सोर्स कोड भी होता है, सीडो कोड भी होता है, फ्लो चार्ट भी होता है। इसको अरेंज वे में कौन बोलेगा, लेवल वाइज सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या नीड है, नहीं समझे? अगर मैंने चारों चीज का नाम बोल दिया, उसको अगर डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए कहा जाए, तो यूजर को पहले क्या सीखना चाहिए, एल्गोरिथम, उसके बाद फ्लो चार्ट, उसके बाद स्यूडो कोड, उसके बाद सोर्स कोड। वेरी गुड, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में तो हम लोग प्रोसेस जानते हैं ना कि इसका क्या प्रोसेस है, राइट। उसको फिर पिक्टोरियल फॉर्मेट में फ्लो चार्ट के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्यूडो कोड में क्या होता है कि वहां पर उसको सिंबॉलिक कुछ प्रोग्रामिंग का टूल्स, कुछ लैंग्वेज ठीक है, दोनों मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो कोड लिखते हैं। और सोर्स कोड, जो कंप्यूटर क्या समझता है, केवल सोर्स कोड को ना, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सोर्स कोड, जो आप सोर्स कोड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या स्यूडो कोड एग्जीक्यूट करेगा, यस और नो, क्या फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट करता है, क्या एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करता है, नहीं, केवल सोर्स कोड। ये तो हम समझने के लिए, ये तो हम लोग समझने के लिए एल्गोरिथम पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। अभी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इसके पहले आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो जो टीचर आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, अब वहां पे आपको थोड़ी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बताया जाएगा, स्यूडो कोड, वहां तो डायरेक्ट आप सोर्स कोड लिखेंगे ना, वो तो आप क्यू बेसिक से ही लिखना स्टार्ट कर दोगे सोर्स कोड। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल, तो पीसीबी क्या होता है, पीसीबी का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, पीसीबी एक प्रकार का स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल टेबल है जो जिसमें
प्रोसेस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या है कि प्रोसेस जो पीसीबी होता है इसको टीसीबी के भी नाम से जानते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, और दूसरा प्रोसेस डिस्क्रिप्टर के भी रूप में इसको जानते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। हर प्रोसेस का क्या होता है, अपना पीसीबी होता है। अगर चार प्रोसेस हैं तो कितने पीसीबी होंगे, चार पीसीबी होंगे, राइट। अब प्रश्न उठता है, ये भी पॉइंट क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि पीसीबी कब क्रिएट होता है और पीसीबी कब डिलीट होता है, पीसीबी कब क्रिएट होता है और पीसीबी कब डिलीट होता है। तो जब प्रोसेस न्यू स्टेट में, जब प्रोसेस कहाँ इंटर करता है, जैसे ही प्रोसेस सिस्टम में इंटर करता है, जैसे ही प्रोसेस सिस्टम में इंटर करता है, वो प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में जाता है, राइट। प्रोसेस जैसे ही हमारा सिस्टम में इंटर कर गया, वो प्रोसेस सबसे पहले कहाँ जाएगा, न्यू स्टेट में जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, न्यू स्टेट कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में कि हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। तो अगर पांच प्रोसेस हमारा इंटर किया तो पांच पीसीबी होगा ना। लेकिन ये पीसीबी कब क्रिएट होगा, जब प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में आएगा तो पीसीबी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी प्रोसेस जैसे ही हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको रेडी स्टेट किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का है, मेन मेमोरी का पार्ट है। तो जैसे ही हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में जाता है, पीसीबी भी क्रिएट हो जाता है। और पीसीबी कब तक रहेगा अवेलेबल किसी भी प्रोसेस का, जब तक वो एग्जीक्यूशन मोड में है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा, पीसीबी भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इस तरह का यूजर मेंटेन नहीं करता है पीसीबी को। पीसीबी किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ओएस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और पीसीबी क्या होता है, अपडेटेबल होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। अब ऐसा कुछ पॉइंट, ये जो देखिए लिखने का तरीका क्या है, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, जितना मैंने क्लास में बताया जितना पॉइंट, हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट छूटा हो। अगर कभी किसी दूसरे बैच में बताया तो कोई हो सकता है कि कुछ नया चीज एक कोई पॉइंट बढ़ा दिए, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। और मैंने पढ़ने का तरीका भी आपको बताया था, अगर उसको आप कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले आप उसको घर पे जरूर देखिए, या जो टॉपिक हो चुका उसको घर पे जरूर देखिए, ठीक है। हम आज के डेट में बहुत सारा सोर्स है, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे, अगर जो टॉपिक हम पढ़ा दिए, अब नेट से भी तुम ओपन करोगे तो उससे रिलेटेड तो पॉइंट बिल्कुल पता चलेगा कि सारे डिस्कस किए थे। और कुछ नया चीज अगर आपको मिलता है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रेफरेंस बुक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक भी स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या जैसे ही प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, वो टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा तब ना, प्रोसेस क्या होगा, जब टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा तो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया, यानी मेन मेमोरी से बाहर हो गया, तो पीसीबी भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। न्यू स्टेट सेकेंडरी में, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्विकली रीड करता हूँ जो मैंने समझाया। ये स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंटेन्स एंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, राइट। It is also known as task control block या process descriptor. Each process consists of on PCB. हर process का अपना PCB होता है. It is stored in main memory. PCB कहाँ store होता है? Main memory में होता है. PCB consists of the following information. ठीक है, ये आपका information देखिए, ठीक है, process ID है, process name है. हर process का क्या होता है? नाम होता है, ठीक है, process state होता है, मेमोरी यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, प्रोसेस काउंटर होता है या प्रोग्राम काउंटर,
या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये फिगर ऑफ प्रोसेस कंट्रोल फ्लो। अब जब इस फिगर को आप बनाएंगे, अगर पूछ देगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन पीसीबी, तो आप अगर शॉर्ट में पूछा तो पीसीबी का डिफिनेशन लिखने के बाद इस केवल फिगर को बना देंगे। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन अगर पीसीबी का पूछता है तो इसमें जो जो आप इंफॉर्मेशन लिखे हैं इस इंफॉर्मेशन को भी आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। प्रोसेस आईडी देखिए, तो प्रोसेस आईडी के बारे में वही मैंने लिखा है जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। एवरी प्रोसेस हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी का मतलब वही होता है ना, दैट इज नोन एज प्रोसेस आईडी। इसी आईडी के थ्रू हम लोग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोसेस आईडी 100 है, 101 है, ठीक है, 102 है। प्रोसेस नेम, हर प्रोसेस का नाम होता है, जैसे मैंने P1, P2, P3, P4 मैंने बोला। प्रोसेस नेम डिस्क्राइब्स विथ यूनिक नेम, हर प्रोसेस का एक यूनिक नेम होगा। प्रोसेस स्टेट, इट डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस इज इन विच स्टेट, प्रोसेस हमारा किस स्टेट में है वो प्रोसेस स्टेट रिप्रेजेंट करता है। आप ऑलरेडी 5 स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस हमारा, प्रोसेस का करेंट एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है कि सस्पेंडेड स्टेट में है कि न्यू स्टेट में है। मेमोरी यूनिट, आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी चाहिए, ठीक है, मेमोरी का साइज चाहिए, कितना उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी का नीड है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। इट डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस कंज्यूम मेमोरी साइज इन केबी और एमबी। रजिस्टर, इट इज ऑल्सो मेमोरी कंपोनेंट दैट स्टोर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमारा रन करता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। रजिस्टर का कुछ नाम बोलिए, एक्युमुलेटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, वेरी गुड रजिस्टर। अब यहाँ पे प्रोसेस काउंटर है, वही चीज प्रोसेस काउंटर मैंने बताया कि हमारे पास रेडी स्टेट में बहुत सारा प्रोसेस अवेलेबल रहता है, लेकिन कोई भी एट ए टाइम एक ही प्रोसेस ना सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है। जब एक प्रोसेस P1 जाएगा तो शेड्यूलर को सोचना पड़ेगा ना कि नेक्स्ट टाइम किसको भेजे, डिस्पैचर को, जो डिस्पैच करता है। मैं आगे बताऊंगा कि प्रोसेस शेड्यूलर या डिस्पैचर क्या होता है, ठीक है। अब जब डिस्पैचर ही सोचेगा, शेड्यूलर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोसेस को शेड्यूल करता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा कब नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे आपका शेड्यूल जो बनाया गया है, कोई एक यहाँ का पर्सन जो है वो शेड्यूल बनाए होंगे ना, उसी शेड्यूल पे हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, या आपका क्लास का शेड्यूलिंग है। उसी तरह से यहाँ पर न्यू स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, इसका डिसीजन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू लिया जाता है। और वहां पर एक डिस्पैचर होता है, एक शेड्यूलर होता है, जो रेडी क्यू से, रेडी स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहाँ भेजता है, रनिंग स्टेट में भेजता है। तो फिर शेड्यूलर ही ना वहां डिसाइड करेगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा कि नेक्स्ट प्रोसेस किसको डिस्पैच करना है सीपीयू के पास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा काउंट क्या काम करता है, प्रोसेस काउंटर या प्रोग्राम काउंटर, कैसे मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कराने के लिए। पहले आई का वैल्यू 1 था, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर आई का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वही चीज जो मैंने समझाया है यहाँ पे, वही चीज लिखा हुआ है। इट एक्सप्रेस विच काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, देखिए जो चीज आप समझ रहे हैं उसको एक बार लिख लो घर पे, किसी भी सब्जेक्ट का खुद से लिखने का जो आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए ना, वो बहुत ही पावरफुल कैपेबिलिटी होता है। कि क्लास जैसे ही आप हायर एजुकेशन में पहुंचिएगा, ऐसा नहीं कि आपको नोट्स, ठीक है, आप IITSM में क्या होता है, कोई रिटेन नहीं है। IIT NIT किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाओगे, कोई रिटेन नहीं है। यहाँ तो आपके सहूलियत के लिए करते हैं कि चलो अब इसमें हर तरह के बच्चे हैं, ठीक है, मुझे 100% सभी बच्चे के लिए देखना है। लेकिन आप जानते हो कि IIT NIT में वही बच्चे पहुंचते हैं जिनका लगभग लेवल सही होता है ना, ठीक है, सही होता है। बात को समझो क्या यहाँ पे पॉइंट है। तो वहां पे केवल जो भी प्रोफेसर वहां पे बताते हैं वो आपको जो भी लेक्चर होता है
वो क्लास में दिया जाता है, बच्चे लोग वहां पे कॉपी कलम रखते हैं, जहां उनको पॉइंट सही लगता है वहां पे वो लिखते जाते हैं, ठीक है। और उसी चीज को आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर देना है, तब ना उसको कहते हैं स्टडी। अब जो डिफिनेशन दिया एग्जैक्ट आपने याद कर लिया, और याद किया हुआ तो कभी भी भूल सकते हैं, वैसे भूलना भी एक कला है, भूलना भी एक क्या है, कला है, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना होगा, उसको बार बार क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। अगर बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, अब मेरा 10+2 मैथमेटिक्स था, लेकिन अब हम कैलकुलस का ढेर सारा पोर्शन भूल गए, एलजेब्रा का ढेर सारा पोर्शन भूल गए, ठीक है। अगर हम प्रोग्रामिंग पढ़ाना छोड़ दें, ठीक है, अभी मुझे कोडिंग आप किसी चीज में बोलिएगा कि पाइथन में कोडिंग कर देने के लिए, C++ में कर दो, जावा में कर दो, PHP में कर दो, VB.NET में कर दो, तो मैं किसी में भी कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आसान चीज क्या होगा, आसान होगा। तो अभी आपका चीज, अगर आप 2 से 3 अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ जाएंगे तो फिर किसी भी प्रोग्राम को आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब सिंपल एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर तुम जान रहे हो कि प्राइम नंबर क्या है, तुम बोल दे रहे हो कि सर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, आप किसी आधार पे ही ना आपने बोला, कुछ सोच कर ही ना बोला कि सर ये प्राइम नंबर है, और यही इंस्ट्रक्शन आपको प्रोग्राम के रूप में देना है, उस इंस्ट्रक्शन को या क्यू बेसिक में लिखो, या सी प्रोग्रामिंग में लिखो, या C++ में लिखो, या जावा में लिखो, बस सिंटेक्स ही ना चेंज होगा, लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप याद कीजिएगा क्यू बेसिक में जो भी प्रोग्रामिंग आपको सर बताएंगे, और आप सी भी अगर कोई भी टीचर पढ़ाएंगे, तो लॉजिक लगभग सेम होता है, कुछ डिफरेंट लॉजिक आप लगा सकते हैं। आप सिंपल सोचो कि प्लस का काम, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या उसमें क्या चेंजिंग करेंगे, क्या फॉर्मूला को भूल जाएंगे, वहां तो लिखना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। आप एक वेरिएबल में लिखोगे एरिया इक्वल टू एल इनटू बी, और कोई दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा कि एरिया वेरिएबल नहीं लिया है, डायरेक्ट आउटपुट फंक्शन में ही लिख देगा एल इनटू बी, बात को समझिए। तो कहां, वो तो लिखने का तरीका हुआ, लॉजिक तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हम जानते ही हैं कि प्राइम नंबर उसी नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर क्या हो, 2 हो, जिसका नंबर और फैक्टर क्या हो, 2 हो, राहुल राज, हैंड रेज करो राहुल राज, क्या तुम स्क्रीन पे कुछ अभी लिखे तो नहीं, लेकिन आप लिखने का कोशिश कर रहे थे। सर गलती से टाइप हो गया था सर, सॉरी सर, ठीक है, मैं उस स्टूडेंट को याद कोशिश कर रहा हूँ जो एक बार बोर्ड पे लिख दिया था, अगर वो पता चल गया तो सीधे एक मंथ क्लास से हम टर्मिनेट करेंगे, सॉरी सर, ठीक है, इसलिए मैंने डिजेबल नहीं किया है, गलती से भी ट्राई करने का कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, तो वो चीज, अगर तुम जानते हो कि किसी भी प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 8 सेल, तो हम अगर एक ऐसा नंबर इनपुट करें जिसके फैक्टर को क्या कर ले, काउंट कर ले, जिसके फैक्टर को क्या कर ले, काउंट कर ले, अगर काउंटर वेरिएबल में अगर 2 आया होगा, मान लो कि काउंट नाम का एक वेरिएबल लिए हो, अगर उसमें 2 आया, तो अगर काउंट इक्वल टू 2 तो प्राइम नंबर, अगर काउंट में 2 नहीं है तो क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा प्राइम नंबर, नहीं होगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से आपको सोचना होगा, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा नंबर है जो प्रोग्रामिंग्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब कोई बताए कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, चलिए वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट एक्सप्रेस विच काइंड ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, FCFS, AJF, राउंड रॉबिन, ETC, इज, ठीक है, अप्लाइड बाई शेड्यूलर फॉर पार्टिकुलर प्रोसेस। कोई जरूरी है कि हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में इसी जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखवाया है उसी तरह से लिखे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ये लिखने का कैपेबिलिटी नहीं हो रहा है, आप लिखिए, आप देखिए, ट्राई करके लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, आप बिल्कुल लिखने लगिएगा अपने लैंग्वेज, और वही अपना लैंग्वेज अगर लिखा हुआ रहेगा तो मुझे नहीं पता चल जाएगा कि जो आप लिखे हैं गूगल से लिखे हैं या कहाँ से लिखे हैं, वो तो ऑलरेडी चेकर को पता चल जाता है कि आप कैसे लिखे हैं, एग्जैक्ट पता चलेगा कि किताब
बुक का लैंग्वेज है कि नेट का लैंग्वेज है, ठीक है, कि एग्जैक्ट जो आपको टीचर ने लिखाया वही छाप दिया, ठीक है। अब ये तो मेरा क्लियर है कि अब हम अगर ओएस का डिफिनेशन लिखाने लगे तो अब वो आदत पड़ गया है, कुछ पॉइंट हो सकता है कि ऐड करें, लेकिन उससे तो मिलते जुलते डिफिनेशन होगा क्योंकि मेरे अपने लैंग्वेज में लिखाया गया नोट्स है, ठीक है, वो तो मैच करेगा। आप भी किसी को पढ़ाइएगा या बताइएगा तो आपको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, लिखाने का तरीका है, वो तो मैच करेगा, लेकिन ये तरीका हमसे आपका तो मैच नहीं होगा। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए जो बहुत सारे स्टूडेंट का है, लेकिन उस चीज को आपको करना है, यही तो डेवलप करना है आप। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए फाइल स्टोरेज का नीड होता है। इट कंटेन्स ऑल प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ए फाइल, लाइक फाइल का लोकेशन, फाइल का देखते हो फाइल क्रिएट होता है तो उसका कहाँ पे लोकेशन है, फाइल का क्या साइज है, फाइल का क्या नाम है, फाइल का क्या परमिशन है, रीड परमिशन है कि राइट परमिशन है कि दोनों परमिशन है कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, दैट इज कॉल्ड पीसीबी। अब आ गया यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग। मैंने प्रोसेस स्टेट आपको बताया था, प्रोसेस स्टेट में मैंने बताया था जिसको हम लोग प्रोसेस लाइफ साइकिल भी कहते हैं। प्रोसेस लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करता है कोई भी प्रोसेस एक का स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है, मूव करता है, एक का स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। तुम उतना पीछे क्यों बैठे हो जी, यहाँ आओ या ऐसा बैठो कि आई कॉन्टेक्ट हो, अब पता नहीं चलेगा कि तुम सो रहे हो कि क्लास में सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में, ठीक है, इंटर करता है, उसी को हम लोग प्रोसेस लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, प्रोसेस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है तो उस चीज को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग। अभी आप क्लास के कंटेक्स्ट में हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि कॉलेज का बाहर कैंपस में जाएं तो आप इस कंटेक्स्ट से बाहर चले गए, बाहर चले गए ना, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, जब प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है उसी को क्या कहा जाता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा ना, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा तभी ना पता चलेगा कि प्रोसेस किस स्टेट में है। प्रोसेस स्टेट पार्ट था ना वहां पे इंफॉर्मेशन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेक्स्ट चेंज। और यहां पर एक होता है प्रोसेस फॉर प्रोसेस डिस्पैचिंग, जिसमें डिस्पैचर काम करता है, डिस्पैचर काम करता है। डिस्पैचर कहने का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं इसका लिटरल मीनिंग, कहीं उसको भेजना, डिस्पैच करना ना, ठीक है, डिस्पैच करना, कहीं पे भेजना, ठीक है। तो डिस्पैचर एक क्या है, डिस्पैचर एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर प्रोग्राम है जिसको हम लोग शेड्यूलर भी कहते हैं। डिस्पैचर का काम केवल क्या है कि रेडी स्टेट से प्रोसेस को उठाकर, ठीक है, वो कहां पर भेज देगा, रनिंग स्टेट में भेज देगा। यानी वहां पर जो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होगा, वहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब तो समझ गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस को मूव करना, इंटर करना। अगर कोई ये जो डिस्पैचर जो काम करता है आपका, उसका काम केवल क्या है कि रनिंग स्टेट रेडी स्टेट से प्रोसेस को वहां से उठाकर कहां पे भेज देगा, रनिंग स्टेट में भेज देगा। ये काम है डिस्पैचर का, शेड्यूलर का। अरे बात समझ में। तो शेड्यूलर का भी बहुत सारा टाइप है, शेड्यूलर का तीन तरह का टाइप है। कितना टाइप है शेड्यूलर का, तीन टाइप है शेड्यूलर का, ठीक है। एक आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, एक आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, और एक आपका मिड टर्म या मीडियम टर्म शेड्यूलर है, नहीं, और उसी तरह से तीन क्यू है। अभी हम लोग को इसके बाद वही चीज पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर और टाइप्स ऑफ क्यू, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर और टाइप्स ऑफ क्यू। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर में हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर,
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। और क्यू जो हुआ, तीन तरह का क्यू भी है, एक हमारा रेडी क्यू है, एक डिवाइस क्यू है और एक जॉब क्यू है जिसको एडमिशन क्यू भी बोलते हैं। तीन तरह का क्यू है और तीनों क्यू में अलग अलग शेड्यूलर क्या होगा, काम करेगा। जस्ट हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद क्या है, क्या हाँ, स्पैचर इज ऑल्सो नोन एज शेड्यूलर। दोनों एक ही चीज है, तो भाई तो हाँ, तो उसी को हम लोग आप इसी में तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलर पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। आप जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलर भी बोलते हैं या सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, शेड्यूलर या डिस्पैचर एक हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है। तभी तो प्रोसेस को क्या करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है, सेंड करता है। तभी सभी शेड्यूलर का काम क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करना, सेंड करना। अब ये प्रश्न ये उठता है कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कौन शेड्यूलर काम करेगा, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सा शेड्यूलर काम करेगा। बात समझ रहे हैं ना, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, ठीक है। तो मैं अभी इसका केवल ओवरव्यू बताना चाहता हूं यहां पे, ठीक है, जो लिटरली आप समझ जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि न्यू स्टेट से प्रोसेस ऑटोमेटिकली तो रेडी स्टेट में नहीं जाएगा, रेडी स्टेट में जाकर प्रोसेस का मेमोरी एलोकेशन होता है ना। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले जाने का काम कौन शेड्यूलर करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। यहां तो ये क्लियर है ना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का बहुत सारा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का भी बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा पॉइंट है। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब समझना होगा ना कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। अभी मैं लिटरली समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के मत आइए। बस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को भेजना, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है, और जॉब शेड्यूलर बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, जॉब शेड्यूलर, ठीक है, और या एडमिशन शेड्यूलर, एडमिशन शेड्यूलर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जॉब शेड्यूलर, एडमिशन शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तीनों एक ही चीज है। अब रेडी स्टेट में तो प्रोसेस आ गया, अब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहां पे कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं या प्रोसेस शेड्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रनिंग स्टेट से कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में भी तो जाएगा, तो वेटिंग स्टेट में जब प्रोसेस जाएगा तो वहां पे कौन सा शेड्यूलर काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। और वहीं पे एक टेक्निक होता है स्वैपिंग, कौन सा टेक्निक होता है, स्वैपिंग। मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में, मैंने बोला था ना कि वेटिंग क्यू जब फुल हो जाएगा तो वहां पे भी स्वैपिंग होगा ना, तो वहां पर भी जो जिसको डिवाइस क्यू बोलते हैं, अभी जस्ट आ रहे हैं, तो रनिंग स्टेट से जब वेटिंग स्टेट में प्रोसेस जाएगा तो वहां पे यानी प्रोसेस को सस्पेंड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस को फिर से रिज्यूम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, किस शेड्यूलर के पास है, मीडियम टर्म शेड्यूलर के पास, ठीक है। और तीन क्यू, अब न्यू स्टेट में कौन सा क्यू काम करेगा, जॉब क्यू जिसको एडमिशन क्यू भी बोलते हैं, रेडी क्यू में कौन सा, रेडी स्टेट में कौन सा क्यू काम करेगा, रेडी क्यू, और यहाँ पे वेटिंग स्टेट में कौन सा क्यू काम करेगा, डिवाइस। किसी डिवाइस के कारण, मैंने बोला था ना कि प्रोसेस जो उस समय के लिए जो सस्पेंड होकर वेटिंग स्टेट में जाएगा, पहले से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सीपीयू हमारा बिजी है, इसी कारण से ना सीपीयू के पास अदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसी कारण से ना वेटिंग मोड में जाएगा, तो वहां पर तो स्टोरेज होना चाहिए ना।
वेटिंग क्यू में प्रोसेस को स्टोर करने के लिए स्टोरेज होना चाहिए ना, तो वहां पर जो क्यू होता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइस क्यू, ठीक है। और डिवाइस क्यू में कोई पूछेगा कि डिवाइस क्यू में कौन सा शेड्यूलर काम करता है, मिड शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर, रेडी, रेडी क्यू में कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जॉब क्यू में कौन सा करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे ही अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब आपका प्रश्न, अब आपका जो पढ़ना है, जो स्टडी करने का तरीका मैं बता रहा हूं, मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में मैं इस पोर्शन को बताऊंगा। अब आप गूगल से देखिए, बुक से देखिए कि नेक्स्ट क्लास में सर बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर बताने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्यू बताने वाले हैं, इस चीज को देखना है और देखिए आपको क्लास में समझ में आता है कि नहीं आता। और जो चीज लिखे, जो चीज बताएं, वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसका जो रिटेन है आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। आप अच्छे से क्वेश्चन, इसका मान लो कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन पीसीबी, तो आप पीसीबी के बारे में जितना पॉइंट आपने क्लास में डिस्कस किया और लगता है कि कुछ पॉइंट छूट रहा है तो वीडियो देखेंगे, कुछ लगता है कि और कुछ नया पॉइंट हम पीसीबी के बारे में जाने तो उसको हम गूगल यूट्यूब देख सकते हैं ना। ये होता है पढ़ने का तरीका, किसी भी पढ़ाई का मतलब लिमिटेड नहीं, लिमिटेशन नहीं है, नहीं हम कर सकते हैं। आप क्यू बेसिक में चार प्रोग्राम लूप पे बनाएं, कोई जरूरी है कि हम चार प्रोग्राम बनाएं? अगला स्टूडेंट अगर 10 प्रोग्राम बनाता है तो उसका माइंड क्रिएटिव होगा, वो लॉजिकली ज्यादा प्रोग्राम पे कंसंट्रेट करेगा, आप नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।